हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक बढ़िया अच्छे से। वेलकम अगेन टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं शौकत आपके साथ सुबह जुट चुके हैं हम। तो अभी मॉर्निंग के 10 बजे हैं, बच्चों को ट्यूशन थे अभी। मैं निकला खुमैनी चौक के जानिब, एक्चुअली कुछ चीज़ें लेनी है। तो आप वीडियो में बने रहे तो आपको आगे दिखाएंगे हमें क्या लेना है आज। और आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले मैं पहुंच गया यहाँ पे दूध लेने के लिए। सॉरी दूध नहीं, मुझे एक्चुअली पनीर लेनी है। किलो किलो तो दोस्तों अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं चिकन शॉप में। तो अब मैं यहाँ पे चिकन लेना है। तो दोस्तों चिकन भी हमने ले लिया, तो अब जाना है डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अभी हम डिपार्टमेंटल स्टोर में आए हैं एंड मैं जो दिखलो अमोल बेदिया खुपर वाला, तो दूध और नारियल लेना है। सो चेक यू लो आसा पा मदद दीजिए वीर भाई साहब दिया के ना गॉड वो इस खूब रुक क्यों छिस ठीक है। सो दोस्तों अभी घर पे आया, अब वापस निकला मामा को लेके जाना है डल कॉलोनी मासी के घर पे। उसको पहले ड्रॉप करेंगे और मैं भी थोड़ा वेट करूंगा, ये वेट पहुंचता है मिनट में, फिर जल्दी वापस निकलेंगे। तो चलो चमक चलो यहाँ पे रखी है हमने, सो लेट्स गो। दोस्तों हम मासी के घर पे पहुंच चुके हैं, तो चले। तो दोस्तों एक मासी के घर से तो निकले, तो यहाँ पे दूसरी मासी का घर है कि हम, तो इनके घर में काम चल रहा है। तो पागल मत रहना, डीपीसी ब्लॉक। हाँ ब्लॉक मान के आया। तो उनको यहाँ पे आज ब्लॉक डालता है, तो यह था चांस। तो मम्मी फिलहाल अंदर है, तो इन करार भाई में देखेंगे कब तक बैठेंगे, तो फिर हम घर निकलेंगे। तो दोस्तों अभी हम घर पहुंच चुके हैं एंड आज जो है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का आई कैन से बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ बनाना है घर पे। तो मामा ने ऑलरेडी प्रेपरेशन करके दिखाते, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या बनाया है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो बासमत का जो चावल है वो पक चुका है, तो मम्मा ने ऑलरेडी इसको पकाया था। एक्चुअली आगे हमें क्या करना है, इसमें हमें लाइक तहरी बनानी है, इसके साथ हम चिकन भी डालेंगे फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये अभी आपने देख लिया एस्कोरी मिक्स, तो एक्चुअली इसको बनानी है तहरी। तो तहर छा एक्चुअली दर्जगा, तो चिकन भी है, तो हम इसको पहले मिक्स करेंगे। अभी इन्होंने चिकन डाला हुआ है एंड देख लीजिए, और इसमें हम इसको मिक्स करेंगे बीट रॉस में बादाम को। ओके, तो हाफ हम इसमें डालेंगे, ठीक से होता है ठीक से। तो खाला अब इसको मिक्स कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लीजिए दोस्तों हमने इसमें ये जो चिकन है वो डाल दिया है, सो हम थोड़ा इसको मिक्स करेंगे, अभी भी थोड़ा पेंडिंग है। तो यहाँ पे अब दो दो खवातीन है, मामा है बीच है मासी जिनत मासी। तो यहाँ पे लास्ट टाइम इसको फिर से मिक्स कर रहे हैं जो चिकन था और ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों इसमें नमक थोड़ा कम था, अदरक थोड़ा ना रस, तो अब इसको फिर से मिक्स करेंगे। देख लीजिए कितना फूल लग गया है। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, देखेंगे कैसा टेस्ट होगा।
वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बट मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट देखूंगा कैसा होगा। काफी अच्छा हुआ है, नाइस। अब नमक भी डालो तो इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट हुआ इसका, तो आगे देखेंगे। तो आप देख लीजिए, हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, बंटन में बनाया था, तो अब इसको बाल्टी में, अब जहरा आएगी तो वो उसको 10 का लेके जाएगी। ये पैकड हो गया पूरा बाल्टी, तो जहरा जी यहाँ पे है, ये इसको लेके जाएगी। तो मेरे जो तो फिलहाल यहाँ मैं इसको फिनिश करता हूँ, आगे होगी आपसे बात। सो दोस्तों, तहरी का तो हो गया, तहरी बोले बिरयानी बोले, उसका तो हो गया सारा, बट अभी और एक चीज हमें बनानी है। सो उसके लिए हमने लाया मिल्क मेड, अभी दुकान से लाया। सो पहले हम घर पहुंच जाते हैं एंड आई विल सी देयर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें खीर बनानी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बादाम गाजन साफ कर रहे थे। तो दोस्तों देख लीजिए, मम्मा ने ऑलरेडी ये जो खीर है फ्रिज है उसने ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो इसमें अभी थोड़ा सा मिक्सचर करेंगे। और इन्हें लगा कि थोड़ा दूध इसमें कम पड़ा है, तो फिर से और दूध डाला और अब इसमें अच्छा खासा कलर आ चुका है। तो मैंने तो अभी मिल्क मेड लाया था, और मैं पहले मिल्क मेड का जो डिब्बा है इससे तो लाइक इसका टेस्ट लाइक बेहतरीन हो जाता है। फिलहाल मैं इसको खोल देता हूँ और ये भी इसमें हम मिक्स करेंगे। तो मिल्क मेड का डब्बा हमने खोल दिया, और देख लीजिए हम इसमें ये भी मिक्स करेंगे। एंड ओबियसली दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आप खीर बनाते हैं, फिर डिब बनाते हैं या ऐसी चीज़ों के लिए दैट इज़ परफेक्ट, क्योंकि इससे अलग ही टेस्ट मिलता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज डेजर्ट्स। तो दोस्तों, ऑलरेडी अब जो खीर है फिर अच्छा वो तैयार हो गई। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दस्तरखान बिछा दिया, तो बतरा प्लेट दिया, फिर हमें इसको लाइक इन डिब्बों में भरना है। सो सी, तो दोस्तों देख लीजिए, दस्तरखान हमने डाल दिया, और यहाँ पे जो डिब्बे हैं फिर इनको एंड में पैक करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे जो डिब्बे थे उनको ओपन कर दिया, देख लीजिए, बट जो भी खीर है फिर इन है वो अभी भी गैस पे हैं, क्योंकि मम्मा ने बोला थोड़ा इसको और गर्म करते हैं, दिमाग थोड़ा पाक तब जाके अच्छी होगी। तो इसके साथ फिर हमने इनको डिब्बों में डालना स्टार्ट कर दिया, मम्मा ही डाल रही थी, मैंने तो ये थोड़ा सा छोटा सा काम किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिब्बे भी हैं, एंड मैंने फिर जो है यहाँ पे थोड़ा सा इनमें ऊपर से लाइक अगेन से सजा दिया। तो बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था ये सारा का सारा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने जो ट्रेस थी बड़ी वाली, मैंने इन प्लेट्स को और बाउल्स को दोनों प्लेट इनमें रख दिया। देख लीजिए यहाँ से ये वाला भी है बाउल्स वाला, इनको उठा के कमरे में रख दिया। तो फिर शाम के टाइम हम गए थे यहाँ अख्तर गाजी भाई के घर पर, तो आज आपको पता है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन था, तो उसकी मुनासिबत से वहाँ पर आज फंक्शन। तो देख लीजिए कितना प्रिटी इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन किया था, सिंपल येट बेस्ट लाइक ऑसम, बहुत बढ़िया डेकोरेशन था। तो ऑलरेडी थोड़ा मैं जल्दी आ गया आज, बट जो बाकी थे वो अभी तक नहीं आए थे। और इसके साथ इन्होंने फिर यहाँ पे चाय का इंतज़ाम किया था, सो देख लीजिए हमने तो दूध कहवा पिया। तो इसी के साथ सभी लोग आ गए यहाँ पे, और इसके साथ जो है महफिल का की जो शुरुआत है वो स्टार्ट हो चुकी है, महफिल की शुरुआत हो चुकी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे तिलावत कलाम से जो महफिल है उसकी शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे जो आलिम है वो तिलावत शरीफ पढ़ रहे थे, इसके बाद उन्होंने फिर ये नात खानी ही, और उनके अलावा मौला बस असलम की शान में उन्होंने कुछ बोला, तो आप सुनिए आगे। तो दोस्तों नात खानी के बाद यहाँ पे जो दुआ तवसल है उन्होंने उनको दुआ तवसल को रिसाइट कर दिया। सो काफ़ी बहुत बढ़िया पुरमसरत मजलिस रही कल। तो दोस्तों मौलवी साहब के बाद यहाँ पे बाकी जो आए थे
उन्होंने अपना कलाम पेश किया। तो आप देख रहे देख लीजिए आगे यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, क्या क्या कलाम पेश करेंगे, आगे हम बात भी करेंगे। तो दोस्तों अख्तर भाई का जो कलाम था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आई गॉट इमोशनल, सो सुन लिए भी बट पूरा नहीं कैप्चर कर पाया, बस थोड़ा सा। तो हाफ टाइम के बाद यहाँ पे डेजर्ट का इंतजाम था, तो यहाँ पे रसगुल्ले के साथ साथ लड्डू भी खाने को मिला, तो फिर तो भूख रही ही नहीं। तो देख लीजिए सारे के सारे जो यहाँ पे आए थे आज वो एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे डेजर्ट्स। मोर इम्पोर्टेंटली आगे सज्जाद हुसैन, सज्जाद भाई जो क्या यहाँ बड़गाम में ही रहते हैं नज़दीक में ही, तो उनके कलाम उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे जो कलाम थे वो पेश किए, तो बहुत मज़ा भी आया उनके कलाम के साथ। तो फिर दोस्तों इसी के साथ 10:30 के करीब टाइम हो चुका, तो मैं तमाम हो गया और यहाँ पे बिरयानी मिली एंड मौसम इवन लाइक चाय पीने के बाद और रसगुल्ले खाने के बाद मुझे तो उतना मूड नहीं था, बस आई एट ऑल। तो फिर इसके साथ हम निकले। तो दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं एंड मैं खुमैनी चौक में हूँ, तो वहाँ से सब निकले एंड मैं भी निकला, पानी की बोतल हाथ में लिए है। चलिए अब करते हैं आज का वीडियो है एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।